नमस्कार, विवार्ता में आपका स्वागत है। जिंदगी भर भाजपा में रहने का दावा करने वाले सिद्धू ने अंततः भाजपा छोड़ दी। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, क्या आपको लगता है कि भाजपा में सिद्धू के साथ अन्याय हुआ? देखिए, ये तो निश्चित तौर पर लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस कद के आदमी हैं, जो उनकी लोकप्रियता है उसको देखते हुए जिस तरह का उनको मौका भारतीय जनता पार्टी के भीतर मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री जो थे उस वक्त के अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने उनको चुनाव लड़ने के लिए न्योता दिया था। वो न केवल पंजाब में बल्कि पूरे भारत में क्रिकेटर के रूप में, कॉमेडियन के रूप में, एक आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट वाले व्यक्ति के रूप में लोकप्रिय निश्चित तौर पर है। उनकी कुछ बातें विवादास्पद हो सकती हैं, उनकी शैली को लेकर भी तरह तरह के विवाद हैं, लेकिन ये निश्चित है कि वो बहुत साफ गोई से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते रहे हैं। और जिन नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि जिंदगी भर वो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेंगे, वो अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं तो कोई ना कोई बात रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, और अगर बेवफाई भाजपा के साथ करने को मजबूर हुए, एक बहुत महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है कि इसका टर्निंग पॉइंट रहा होगा वो यही रहा होगा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए हैं 2014 के, तब अमृतसर सीट जो नवजोत सिंह सिद्धू जीत के आए थे, वो अमृतसर सीट जिस पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ रही, वो अमृतसर सीट जहां से भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद और जा सकता था, वहां पर उनका टिकट काटकर अरुण जेटली को टिकट दिया गया। अरुण जेटली ये चुनाव हारे बुरी तरह, उसके बावजूद वो अभी देश में महत्वपूर्ण पदों पर, वित्त मंत्री पर है, वो अलग बात है कि उनकी क्या, लेकिन निश्चित तौर पर सिद्धू को वो बुरा लगा होगा। सिद्धू के लिए ये बड़ा चुभने वाला नश्तर होगा जिसको वो बहुत समय से सीने में दबाए रहे होंगे। और फिर आगे जाकर भी जब उन्हें लगातार, जैसा कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है कि उनको पंजाब से दूर रहने के लिए कहा गया, दरअसल जो समीकरण सामने आए हैं, जो समझ में आते हैं, वो यही है कि अकालियों को लगातार सिद्धू के पंजाब में सक्रिय रहने से दिक्कत है, और अकालियों के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है तो वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी रही होगी कि उनको पंजाब से दूर रहने के लिए कह दिया गया। लेकिन दिक्कत वही है कि परिंदा तो आसमान में ही उड़ेगा और मछली तो पानी में ही रहेगी। अगर आप मछली से कह देंगे कि वो पानी के बगैर रहे तो वो तड़पेगी और तड़पकर फिर से पानी में जाना चाहेगी, आपके जरिए नहीं तो किसी और के जरिए, इस पानी में नहीं तो किसी और पानी में। तो सिद्धू के साथ वाकया दरअसल यही हुआ है कि उनकी जो पानी की तड़प है, मतलब पंजाब की तड़प है, और अगर उनके इतने सक्रिय व्यक्ति के आप पर कतरने की कोशिश करेंगे तो वो किसी दूसरे तरीके से अपनी उड़ान को जारी रखने की कोशिश करेगा, और मुझे लगता है सिद्धू के मामले में यही हुआ है। जैसा कि कहा जा रहा है, सिद्धू आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, यदि ऐसा है तो क्या वे भाजपा के लिए पंजाब चुनाव में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं? जो उनकी लोकप्रियता है और वो स्टार कैंपेनर के रूप में अगर काम करते हैं तो निश्चित तौर पर वो बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरा, भाजपा के लिए दोहरी चुनौती इसलिए होगी, पूरे देश में जब आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनावों में बहुत बुरा परफॉर्मेंस उसका रहा, तमाम कोशिशों के बाद भी सब उनके प्यादे बुरी तरीके से पिटे, चाहे अमेठी में जाकर बैठे हुए उनके कुमार विश्वास हों, या वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले खुद अरविंद केजरीवाल हों, या मेधा पाटकर जैसे नेताओं, जो बड़े बड़े नेता थे, वो भी आम आदमी पार्टी की कोई साख बचा नहीं पाए थे कहीं भी। ऐसे समय में पंजाब में उनको सफलता मिली थी, इसीलिए अब पंजाब के जो विधानसभा चुनाव है वो उनके लिए महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि उनको लगा है कि जो करिश्मा उन्होंने दिल्ली में कर दिखाया वो पंजाब में भी वो कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अकाली दल की सरकार को लेकर भी बहुत सारी नाराजी है, नशे का जो कारोबार बढ़ता चला गया और उसमें कुछ अकाली मंत्रियों या शीर्ष पदों पर लोगों जो लोग बैठे हैं उनके शामिल होने की बात सामने आई है, उसको देखते हुए भी जो विरोध सत्ता के खिलाफ होगा, जनता का जो विरोध रहेगा जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है, उसको भुनाने में कौन ज्यादा कामयाब होता है, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, यह ज्यादा बड़ा सवाल है। दिल्ली में भी आप देख लीजिए कि शीला दीक्षित जी की जो 15 साल की लगातार पारी रही उसके खिलाफ का जो गुस्सा था उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने के बजाय आम आदमी पार्टी को मिल गया। तो अगर ऐसा का ऐसा पंजाब में भी हो जाता है तो ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। और अब भारतीय जनता पार्टी पाले के उस तरफ है जहां पर वो खुद सरकार के साथ बैठी है और जनता के विरोध से निपटने के लिए उसको बहुत सारे ऐसे उपाय करने होंगे जिससे पंजाब में उनकी सरकार, उनकी साख बची रहे, और नवजोत सिंह सिद्धू निश्चित तौर पर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सीएम पद को लेकर सिद्धू और भगवंत मान में टकराव पैदा हो सकता है। ये निश्चित तौर पर है, क्योंकि भगवंत सिंह मान जब से वहां से आए हैं लोकसभा जीतकर, और वो लोकसभा में भी सक्रिय रहे हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा रहे हैं पंजाब में, और उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, और उसको देखते हुए ही लगातार जो
सीधा सीधा लग रहा था कि अगर यहां राज्यसभा से इस्तीफा हुआ है तो अगले ही पल भाजपा से इस्तीफा होगा और उसके अगले ही पल सिद्धू आम आदमी पार्टी के साथ खड़े नजर आएंगे। ऐसा अगर तुरंत नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही समीकरण उसके बीच में रहा होगा। अरविंद केजरीवाल और सिद्धू में जो बातचीत हुई होगी वो भगवंत सिंह मान की और उनकी भूमिका को लेकर ही रही होगी। और अगर बात 15 अगस्त को खुलासे की हो रही तो 15 अगस्त को यह बात भी सामने आ जाएगी। जो खबरें छनकर सामने आई उससे तो यही लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू केवल स्टार कैंपेनर रहेंगे। इसका मतलब फिलहाल मुख्यमंत्री का पद या मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी भगवंत सिंह मान के पास है। आगे जाकर चीजें इस बात पर भी निर्भर करेगी कि आम आदमी पार्टी दरअसल कितनी सफलता हासिल कर लेती है। अगर अविश्वसनीय तरीके से बहुमत आम आदमी पार्टी को मिल गया या दिल्ली का इतिहास दोहराया जा सका पंजाब में, तब जाकर यह मसला ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए भगवंत सिंह मान ज्यादा महत्वपूर्ण है या नवजोत सिंह सिद्धू। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू के भाजपा से इस्तीफे की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।